और से देखने पर ही दिखता है ये गांव। दारू अपुन के लिए लत नहीं है। जाके इस खाता हूं। तो दोस्तों फाइनली रिलीज हो गया है साउथ के सुपरस्टार नेचुरल स्टार नानी की कैरी की सबसे बड़ी फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि दशहरा फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर पूरे 5 भाषाओं में रिलीज कर दिया गया है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, वहाँ पे कंफर्म कर दिया गया फिल्म हमें कब तक देखने को मिलने वाली है और क्या ये फिल्म हमें हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी या मिलेगी, सारी जानकारी आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप भी दशहरा फिल्म का वेट कर रहे थे बहुत ही दिनों से तो हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि दशहरा फिल्म को आप देखना चाहोगे अपने फोन के हिंदी में डाउनलोड करके तो कैसे देख पाओगे और फिल्म को आप टीवी पे यूट्यूब पे कौन से दिन देखने को मिलने वाली है, फिल्म थिएटर में हमें कब तक देखने को मिलने वाली है। तो सारी अपडेट जानने के लिए आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दशहरा इसी साल रिलीज होने वाली धमाकेदार एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट किए हैं साउथ के जाने माने फीमेल डायरेक्टर श्रीकांत ओड़िला ने, जिन्होंने इससे पहले साउथ की काफी सारी बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दशहरा फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद इनका जो हौसला बढ़ने वाला है, क्योंकि दशहरा फिल्म का जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही ज्यादा होने वाला है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि नेचुरल स्टार नानी का जो लुक है, फिल्म की स्टोरी है यानी कि फिल्म का जो ट्रेलर कम दिखाया गया हमें टीजर में, फिल्म की स्टोरी बहुत ही यूनिक बनाई गई है, फिल्म के स्टार कास्ट भी बहुत ही अच्छे खासे लिए गए हैं जिससे आपको देखने में भी मजा आने वाला है। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो मैं आपको बता दूं फिल्म के स्टार कास्ट में फिल्म के लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार नेचुरल स्टार नानी के साथ साथ कीर्ति सुरेश, समुति रकाड़ी, जरीना और भी साउथ के काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए के आसपास होने वाला है। जैसा कि आज एक टीजर लॉन्च हुआ है जिसमें आपको देखा गया है कि फिल्म के टीजर बहुत ही गरीब फैमिली से होते हैं जो कि कोयले की खदान में काम करते हैं, यानी कि जो नानी होते हैं कोयले की खदान में बड़ी से काम करते हैं और उनका जो है बहुत उनका सपना होता है पूरी दुनिया पे राज करना, लेकिन उनको जो है बहुत ही बड़े घर की लड़की से प्यार हो जाता है यानी कि कीर्ति सुरेश से प्यार हो जाता है। क्या वो सपना अपना पूरा कर पाते हैं, यह सब जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं फिल्म की स्टोरी बहुत ही यूनिक बनाई गई है, फिल्म की स्टोरी आपको देखने में बिल्कुल बोर नहीं करने वाली है। तो अगर आप भी दशहरा फिल्म को देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं 30 मार्च को फिल्म आपको थिएटर में सभी लैंग्वेज में एक ही साथ देखने को मिलने वाली है, यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी में भी देखने को मिलने वाली, उसी में से आपको फिल्म हिंदी में भी देखने को मिलने वाली है। सबसे खुशी की बात यह है कि फिल्म पैंडल पर रिलीज होने वाली है और 30 मार्च को ही आपको थिएटर में देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो इस फिल्म को अपने फोन के अंदर हिंदी में डाउनलोड करके तो 31 मार्च को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके अपनी इस फिल्म को डाउनलोड करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिंक दे दिया, जैसे फिल्म आएगी तो मैं वहाँ पर लिंक दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो सिंपली आप टेलीग्राम पर जाकर पीकेडील फाइनल सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा 30 मार्च को थिएटर में देखना ना भूलना नानी की फिल्म दशहरा को। अगर आप देखना चाहते हो फिल्म को अभी तो मैं बता दूं फिल्म का ट्रेलर आपको अगले हफ्ते में देखने को मिलने वाला है, उसके बाद फिल्म आपको 30 मार्च को थिएटर में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों फिल्म को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे ही फिल्म आएगी तो मैं फिल्म का लिंक दे दूंगा। दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट फिल्म के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।